मुझे लगता है ये बहुत मजेदार होगा। चलो जल्दी ढक्कन खोलो। बेटा तुम शुरू करो। ओ नहीं, क्या भयानक शुरुआत है। मैं इसे कांटेदार कहूँगा। मुझे ये कैक्टस खाना है। ये बहुत डरावना है। ये मुझे हर तरफ चुभ जाएंगे, पर हम केवल अच्छे की आशा करते हैं। ओह, कितना दर्दनाक। शायद इतना ही काफी है। बिल्कुल नहीं, तेजी से खाओ। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। जब मैं सभी कांटों को काट सकती हूँ, तो मैं खुद को क्यों चोट पहुँचाऊंगी। और इसके लिए मेरे पास सही टूल्स भी है। ताराम। अब मुझे हर बाइट में कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। मुझे आशा है कि कैक्टस कम से कम स्वादिष्ट हो। यह कैसा है, तुमने इसे इतनी जल्दी खा लिया, जैसे कि यह मीठा हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यह घिनौना है। ऐसा लगता है जैसे। अब इसे खोलने की मेरी बारी है। रुको, लेडीज फर्स्ट, खासकर तब जो उसके पास इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम हो। आउच। बेटा, तुम मेरी आइसक्रीम कहाँ ले गई? उसे वापस लाओ। बिल्कुल नहीं, देखो यह गोल बॉल्स हैं, जिसका मतलब है मेरे हैं। मुझे पता है इसे कैसे ठीक करना है। गर्म हवा के बाद बॉल पिघल जाएंगे और कोन के त्रिकोणीय आकार के कारण यह गोल मेरा होगा। कितना स्वादिष्ट है। अगर मैंने वीटा को आइसक्रीम दी तो मुझे बहुत अफसोस होगा। यह बहुत अच्छा है। एलेक्स, अब तुम भी ढक्कन खोल सकते हो। अरे वाह, कितना सुंदर है। इतना स्वादिष्ट सैंडविच, मैं इस बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहता हूँ। यह जानकर कितना अच्छा लगा कि मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। यह सब मेरा है। तुम्हारा तुम कहते हो। मेरा भी सैंडविच खाने का प्लान था, क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी। एलेक्स, बेटा तुम्हें बुला रही है। अब चाकू मुझे चौकोर सैंडविच को दो त्रिकोणीय सैंडविच में बदलने में मदद करेगा। मुझे माफ करना एलेक्स, मुझे यह करना पड़ा। समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा तो ऐसा है, फिर देखते हैं तुम्हें उसी त्रिकोणीय मिर्च वाला सैंडविच कैसा लगता है। मुझे लगता है कि कम से कम बहुत मजा आएगा। स्वादिष्ट। ये अफसोस की बात है कि एलेक्स की तुम सैंडविच नहीं खा पा रहे। ओह नहीं, ये बिल्कुल भी अफसोस की बात नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ है। सैंडविच में मिर्च कहाँ से आई? मेरे पास कुछ ऐसा है इस आग को बुझाने में मदद करेगा। ये ड्रिंक पियो। जल्दी करो, मुझे कुछ पीने दो। मैंने अभी क्या पिया? वाह, क्या शो है। आओ देखें कि इस दौर में हमारा क्या इंतजार कर रहा है। बेटा के पास चिप्स है, लेकिन मेरा क्या? मुझे आशा है कि मैं भाग्यशाली निकलूंगा। ओ नहीं, मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ जो मैं ये खाऊंगा। मैं ये नहीं खाऊंगा। और तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले खाने जा रही हूँ। मैं जल्द से जल्द एक तरबूज खाना चाहती हूँ। यह कितना रसीला है, यह गर्मियों की याद दिला रहा है। मुझे पता है कि तुम अपने लिए तरबूज कैसे ले सकती हो, एक विशेष चम्मच के साथ। केसी, चम्मच को पकड़ो, इसकी मदद से खाने में और भी सहूलियत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, यह वास्तव में बहुत सुविधाजनक है। अब यह तरबूज केवल मेरा है, क्योंकि तुमने इसे गोल टुकड़ों में काट लिया है। अगली बार ध्यान रखना। मुझे लगता है कि तरबूज की यह कहानी तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ, यह लो। नहीं लगा, तुम जितना चाहो उतना फेंक सकती हो। तब तक मैं तरबूज खत्म कर दूंगी। तुम्हारी वजह से मेरे पास बहुत कम तरबूज बचा है, लेकिन कम से कम मैं किसी की मदद के बिना बचा हुआ खाऊंगी। हो गया बेटा, अब तुम्हारी बारी है। मुझे लगता है कि चिप्स बहुत स्वादिष्ट होंगे, विशेष रूप से प्रिंगल्स। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे भी, और मुझे इसके मजे लेने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे बेटा को चिप्स से दूर करना होगा। यह कितना अच्छा है कि ऐसा करने के लिए बस एक पैक को हिलाना होगा। अजीब है, यह खाली क्यों है? सभी चिप्स कहाँ है? कितना भयानक, ऐसा करने की हिम्मत किसने की? चिप्स किसी भी रूप में स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन मुझे कुत्ते का खाना खाना पड़ेगा।
ये बहुत घिनौना है, इसकी गंध भी भयानक है। मुझे लगता है इसे मैं बीमार हो जाऊंगा, शायद मैं ये नहीं खा पाऊंगा। नहीं, तुम्हें खाना पड़ेगा। जरा देखो ये कितना घिनौना है, कम से कम कोशिश करनी पड़ेगी। छी, कितना खराब। डॉग फूड हमेशा विशेष बर्तन में खाना चाहिए। शुक्र मनाओ कि मैं एक लेकर आई हूँ। Oh, no! हाँ, धन्यवाद। इस कटोरे में खाना और भी खराब लगता है, और मैं इसे चम्मच से नहीं खा सकता। मैं तुम्हारी मदद करूँगी, बस हिलना मत। मैं तुम्हें कैसे करके भी खिला ही दूंगी। यह लो, क्या तुम्हें पसंद आया? मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी नहीं चखा है। क्या तुम्हें लगता है मजाकिया है? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में मजेदार क्या होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? अब से हम कुत्तों की तरह महकेंगे। दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है इस बार कौन भाग्यशाली होगा? अब हम पता लगाएंगे। निश्चित रूप से मैं नहीं, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे रोल पसंद है। मैं भी, मुझे चॉकलेट मिली है। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है। इसे दुकानों में खोजना बहुत मुश्किल है, इसलिए यह और भी अधिक कीमती हो जाता है। मुझे पता है यह हर कोई पहले से ही लार टपका रहा है, लेकिन मैं शेयर नहीं करने जा रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। Awesome! एकदम लाजवाब। मैं बस इन सभी त्रिकोणीय स्लाइस को जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। कितना अच्छा कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले चॉकलेट के कराटे को कुछ करतब दिखाने होंगे। बस हो गया, आप सब जान जाएंगे कि केसी क्या कर सकती है। और अब तुम्हें एक तरकीब दिखाऊंगी, अपने मुंह से चॉकलेट बार पकड़ना। लेकिन इतना ही नहीं, एक टुकड़ा तो कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन चॉकलेट के पूरे गुच्छे को पकड़ना मुश्किल होता है। और मैं किसी को पकड़ने में कामयाब नहीं हुई, कितनी शर्म की बात है। कोई बात नहीं, अच्छी बात यह है कि मैं अब रोल को खा सकता हूँ। पहले ये चॉपस्टिक ले लो। नहीं, मैं उनके साथ कभी नहीं खा पाया। अगर मैं अभी सीखता हूँ तो मैं निश्चित रूप से एक भी चीज नहीं खाऊंगा, लेकिन मुझे अलग तरीके से स्टिक का उपयोग करने से कौन रोकेगा, जैसे कि उन पर रोल लगाना और ठीक उसी तरह खाना। यह अच्छा है और आरामदायक है, और उससे हाथ भी साफ रहेंगे। और दोस्तों के साथ शेयर करने के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा तुम्हें रोल की जरूरत क्यों है? रसदार नींबू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जरा सोचो कि वो कितने खट्टे होंगे। जी, हटो। मुझे नहीं पता था कि नींबू बुमेरांग की तरह वापस आ जाएंगे। जाओ, ऐसा लगता है कि अभी तुम्हारी नियति है। बेवकूफ चुनौती नियम। ठीक है, मैंने अभी अभी पता लगाया कि नींबू को कम खट्टा कैसे बनाया जाता है। रस्ट को छीलने की जरूरत है। उफ्स। Awesome! Wow! ओ, एलेक्स, माफ करना। ठीक है, चलो इसे खाती हूँ। ऐसा लगता है कि नींबू की वजह से मैं थोड़ा सिकुड़ गई हूँ। मुझे एक ताजा स्नान चाहिए। अब अच्छा महसूस हो रहा है। ओह, प्याज नहीं, मैं बदबू मारना नहीं चाहती। वाह, पिज्जा का कितना बड़ा टुकड़ा है, अद्भुत। और मेरे पास सबसे स्वादिष्ट फिज है, मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे आशा है कि अगर मैं पहले इस बेकार प्याज से निपटती हूँ तो तुम बुरा नहीं मानोगे। मैं वास्तव में इसे बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहती। इसका स्वाद कैसा है? मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, ये मेरे लिए वास्तव में मुश्किल है। काश तुम समझ पाती कि ये कितना घिनौना है। अगर एक बाइट भी खा लिया तो दिल की धड़कन सुनाई पड़ने लगेगी। ओह, कुछ बाहर आना चाह रहा है। क्या बदबू है। मुझे लगता है हम समझ रहे हैं कि अब तुम क्या महसूस कर रही हो। ओह, माफ करना, मैंने किसी के पिज्जा पर गोल सॉसेज देखा है, इसका मतलब है कि वे मेरे हैं। यह जानकर कितना अच्छा लगा कि ऐसी स्वादिष्ट चीजें इंतजार कर रही है। और अगर एक छोटा टुकड़ा काटते हैं तो हम इसे चौकोर बना सकते हैं। इसका मतलब है मैं खुद को तरोताजा कर पाऊंगा। मुख्य बात है कि मेरे हाथ गंदे न हो, क्योंकि मुझे बाद में फिज खाना है। What's the matter with you? What? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शर्म नहीं आती तुम्हें? यह मेरा पिज्जा है। टुकड़ा चौकोर है, जिसका अर्थ है कि यह मेरा है। खैर, मेरे लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा है। यह अच्छा है कि मैं थोड़ा खा सकती हूँ, पूरा खत्म नहीं हुआ है। Awesome! और फिज का पूरा पैकेट मेरा इंतजार कर रहा है।
मुझे इसे खाने में बहुत दिलचस्पी है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अरे वाह, वास्तव में यह अच्छा है, लेकिन मैं यह किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। यह पूरा मैं खुद खाऊंगा। वाह, कितना स्वादिष्ट है, मैं और अधिक चाहता हूँ। लालची एलेक्स, यह अब तुम्हारे पूरे सिर पर जाएगा। अब बेहतर है, अब तुम समझ जाओगे कि दोस्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है। मैं खाना चाहती थी, लेकिन मुझे केवल एक पिज्जा मिला है। बड़े अफसोस की बात है। मुझे भी तुम्हारे लिए खेद है, लेकिन कितना अच्छा है कि मेरे पास बहुत पिज्जा है। तुम्हारे पास? तुमने मेरा टावर अब तक नहीं देखा है। देखो यहाँ कितना सारा पिज्जा है, ये आसमान को छू रहा था। लेकिन सबसे पहले वही खाएगा जो सबसे कम भाग्यशाली है, वह है डायना। बस बहुत हो गया मजाक, मैं जानती हूँ कि मैं पहले खाऊंगी और इससे मैं बहुत खुश भी हूँ। भले ही मेरे पास केवल एक पिज्जा है, फिर भी ये बहुत स्वादिष्ट और गर्म है। चीजी स्ट्रेच को तो देखो, कितना बढ़िया, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अरे अपना कचरा फेंका मत, देख कर फेंको। क्या फर्क पड़ता है, मुख्य बात है कि इसका स्वाद मुझे अच्छा लग रहा है। बस वह करना बंद करो, बहुत हुआ, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। तुमने मेरे ऊपर क्रस्ट फेंका तो तुम्हें भी क्रस्ट ही मिलेगा। तुम बहुत मजाकिया हो, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि तुम दोनों मेरे साथ नहीं लड़ रहे हो। खैर, मेरा पिज्जा खाने का समय आ गया है। ओह हाँ डायना, तुम बिल्कुल सही थी, पिज्जा अद्भुत है आइडिया। मैं जानती हूँ कि इसे सबसे अच्छे से कैसे खाया जा सकता है, इसे एक बरीटो की तरह रोल करके। अब यह सुविधाजनक और स्वादिष्ट दोनों है। कितना स्वादिष्ट लग रहा है। देखो मैं अब तुम्हें दिखाऊंगी कि पिज्जा को सबसे तेज कैसे खाते हैं। ये बहुत अच्छा था। वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक व्यक्ति के मुंह में इतना फिट हो सकता है। बेशक यह हो सकता है, इसके अलावा इस तरह हम लगातार कई पिज्जा खा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई, अब क्या करें? अब तुम्हारा सारा पिज्जा हमारा हो गया और हम इसका आनंद ले सकते हैं। अरे मेरा पिज्जा कहाँ है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने उन्हें बेशर्मी से चुराया है। चुप, हम पर चिल्लाओ मत, हम वास्तव में भूखे हैं। आखिरकार वो समय आ गया है जब मैं अपना पिज्जा को खा सकती हूँ। मैं इसका लंबे समय से इंतजार कर रही थी। बस टावर सरल नहीं बल्कि बहुत स्वादिष्ट है। सॉसेज रह गया। सिर्फ एक टिक टैक, एक कैंडी कैसे खा सकते हैं? मेरे पास एक पूरा डब्बा है। देखो डायना के पास क्या है। हाँ मेरे पास बहुत है, ये सिर्फ एक डब्बा नहीं है, ये टिक टैक का एक पूरा विशाल पैक है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन लिली पहले खाएगी। मैं जानती हूँ, मेरा टिक टैक कोका कोला के स्वाद का है और मुझे कोला बहुत पसंद है। स्वादिष्ट लेकिन बहुत कम है। मैरी अब तुम्हारी बारी है। अरे मैं हमेशा कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए तैयार हूँ। ये गिर क्यों नहीं रहा है? ओह, जल्दी से मेरे मुंह में आओ। हाँ, मैरी ने अपनी सारी कैंडी गिरा दी। ऐसा कुछ नहीं है, वे मेज पर बिखरे हुए हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खाया जा सकता है, मतलब स्ट्रॉ की मदद से। मैं खुश हूँ, बहुत स्वादिष्ट था। डायना अब केवल तुम ही बची हो। हुर्रे, आखिरकार मेरी बारी आ गई। ये कितना स्वादिष्ट है। हाँ ये स्वादिष्ट है, शायद तुम इसे हमारे साथ साझा कर सकते हो। तुम्हारे पास कितने पैक हैं? साझा करना नहीं, ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं खुद ही इसे मजे से खाऊंगी। कितना खाने का मन है। मुझे इस बात का अंदाजा है कि डायना से कम एक बॉक्स कैसे चुराया जाए। अगर मैं इसके दूसरी तरफ से ले लेती हूँ तो निश्चित रूप से उसका ध्यान नहीं जाएगा।
मैरी अपना हाथ अब बढ़ाओ और ये टिक टैक खाओ। अरे तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये मेरी कैंडी है। ठीक है तुम्हारे पास एक है, कुछ कैंडी गन फायर के लिए तैयार हो जाओ। ये लो। अरे बस करो, रुको, हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, रुक जाओ। तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी कैंडी चुराने से क्या होता है। बिल्कुल वो हम पर कैंडी की बौछार कर रही है, पर ये बहुत स्वादिष्ट गोली है, हम उन्हें अपने मुंह से पकड़ कर खा सकते हैं। ये शानदार आइडिया है, ये लो। मुझे लगता है कि मेरी गोली खत्म हो गई और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हमारा तो पेट भर गया। अरे मुझे इतने लहसुन की क्या जरूरत है? मैं तुमसे सहमत हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कम मिला है। तुम लड़कियाँ बहुत बदकिस्मत हो, मुझे तो केवल एक लहसुन मिला है, लेकिन तुम इसे पहले खाओगी तो क्या? मुझे लगता है मैं उससे जल्दी निपट लूँगी। अब मैं सिर्फ इसका छिलका छीलूंगी, नहीं तो इसके साथ खाने में मजा नहीं आएगा। बहुत खूब, छीलने का अच्छा तरीका है। तुम्हें क्या लगता है, अब इसे खाने में मजा आएगा? ओ नहीं, मैं ये नहीं खाना चाहती। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। क्या तुम जानती हो कि तुम्हें क्या मदद करेगा? लहसुन प्रेस। इसकी मदद से लहसुन खाना अब इतना खराब नहीं लगेगा। आओ लिली, अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और लहसुन को निचोड़ूंगी। जी नहीं, धन्यवाद। अच्छा अपना मुंह खोलो, तुम इसे स्वयं नहीं खोल सकते, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो तुम्हें कैसा लगा? स्वादिष्ट। क्या तुम्हें लहसुन पसंद आया? नहीं, ये भयंकर है। मैंने अपने जीवन में इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं चखा है। क्या बदबू है, अब हमें भी इसे सूंघना होगा लिली, ताकि तुम्हारे मुँह से कचरे की गंध ना आए, इसलिए ये गम ले लो। ओ धन्यवाद, मैं निश्चित रूप से गम को मना नहीं करूंगी, यह मदद करता है। अब लगता है मैंने लहसुन नहीं खाया है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम अपना लहसुन खा चुकी हो और मुझे अभी भी करना है। हालांकि मुझे करने की क्या जरूरत है, ये बहुत सुंदर है। ये बहुत अच्छा होगा कि मैं इसे गले में पहन लूं। नियम के अनुसार तुम्हें इसे खाना होगा, तो तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद कर रही थी कि हार का विचार काम करेगा और तुम गुस्से में हो डायना, लेकिन मैं अभी भी लहसुन को ऐसे नहीं काटूंगी। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। लहसुन को जल्दी और अच्छी तरह से छीलने के लिए मैं इसे ग्लास में डालती हूँ और अच्छी तरह से इसे हिला दूंगी। तब सभी छिलके वहीं रह जाएंगे और लहसुन सुरक्षित रूप से खाए जा सकते हैं। वाओ, ओ लाला। मैं मानती हूँ लहसुन बहुत खराब है, ऐसा लगता है जैसे मैंने कचरा पेटी खा लिया हो। और अब कमरे में ऐसी ही महक आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि इतनी गंदी गंध से भी जल्दी से कैसे निपटा जा सकता है। एक एयर फ्रेशनर हमारी मदद करेगा। कुछ भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा जब तक मेरे मुँह से गंध गायब नहीं हो जाती। नहीं तो अब क्या किया जाए? बिल्कुल, अगर तुम्हारी सांसों से बदबू आ रही है तो तुम्हें इसे फ्रेशनर से स्प्रे करने की जरूरत है। यह लो। ओह, ऐसा लगता है कि एरोसोल खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, गंध भी चली गई है। बिल्कुल कोई गंध नहीं है, हालांकि इसका स्वाद भी लाजवाब है। डायना, अब लहसुन खाने की बारी तुम्हारी है। दोस्तों मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं ये पूरा गुच्छा नहीं खा सकती, ये बहुत बड़ी है। नहीं, तुम्हें खाना होगा, खाओ, हमें तुम पर विश्वास है। ओह, आशा है कि मैं बीमार ना पड़ूं। तुम सही कह रही हो, मैं मजबूत हूँ, मैं लहसुन की एक दो कलियां सह सकती हूँ। वाह, वह तो छिलके के साथ खा रही है, बहुत खूब। बस थोड़ा सा बाकी है, मुझे उससे निपटना है। अरे आराम से, छिलका मत फेंको, सीधे हमारे ऊपर आ रहे हैं। मुझे परवाह नहीं है, अब मुझे केवल इस बात की परवाह है कि मेरे मुंह से कचरे की डब्बे की तरफ बदबू आ रही है। हाँ, गंध भयानक है, लेकिन मुझे पता है कि क्या हमारी मदद कर सकता है। हम इस बदबू के स्रोत को बंद कर दे तो हम कमरे में ही इससे छुटकारा पा लेंगे। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मदद करो, मुझे बचाओ। मुझे आशा है कि वो जिंदा होगी। बेशक वो जिंदा है, वो सिर्फ बदबू की वजह से बेहोश हो गई है।
मेरे साथ सब कुछ ठीक है, मैं जिंदा हूँ, मैं ठीक हूँ। सभी को हेलो, आखिरकार हम चुनौती शुरू कर रहे हैं और मैं अभी बदकिस्मत निकला, मुझे गम का सिर्फ एक पैकेट मिला है और मेरे पास ये बहुत सारे हैं। मेरे पास तो इसका पूरा गुच्छा है। एलेक्स, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन तुम पहले अपना गम खा सकते हो। ठीक है, कम से कम कुछ अच्छा। मुझे हबा बबा बहुत पसंद है, खासकर बबल गम के स्वाद वाला। ये तुम क्या कर रहे हो? च्युइंग गम तुम्हारा है और मुझे कचरा उठाना है। अब तुम देखो। ओ, चलो गुस्सा मत करो, बेहतर होगा कि तुम देखो कि मैं कैसा बबल बना रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है कि तुम बबल से खेल सकते हो? लेकिन इसके लिए तुम्हें इसमें मास्टर होना होगा। वाह, सच में बहुत बढ़िया। एलेक्स, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अब गम चमाने की मेरी बारी है। सबसे पहले मैं रैपर से छुटकारा पाऊंगी। मैं एक टेक्निक भी जानती हूँ जो मुझे बहुत मदद करेगी। वाह, बहुत बढ़िया। और अब उन्हें खाने का समय आ गया है। लिड वैक्यूम क्लीनर एक्टिवेटेड। अरे वाह, और अब देखो कि वास्तव में एक बड़ा बबल क्या होता है। ना, ऐसा कोई बबल नहीं रहने दूंगा जो मेरे से बड़ा हो। यह क्या किया भयानक? तुमने न केवल मेरा बबल फोड़ दिया, बल्कि अब मेरी भौहें भी निकल आईं। अब मैं कैसे रहूंगी? उन्हें वापस चिपका दो। ठीक है, मैं थोड़ा घबरा गई। अब ठीक है मिला, अब गम चमाने की बारी तुम्हारी है। आखिरकार रैपर से छुटकारा पाने के लिए मैंने एक विशेष मशीन तैयार की है। वाह, बहुत ही प्रभावी तरीका। और अब इन्हें एक एक करके खा सकते हैं। क्या तुम वास्तव में शानदार बबल देखने के लिए तैयार हो? तो चलो चलते हैं। मेला, बस करो, ये बहुत बड़ा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए? मेरे पास एक आइडिया है। हमें बबल को गुलेल से फोड़ने की जरूरत है। एलेक्स, शूट करो। मैं ही क्यों? क्योंकि नहीं तो मिला अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। जल्दी करो। तुम्हें कुछ नहीं आता, मुझे खुद ही सब करना पड़ेगा। बेटा, तुमने अच्छा किया, पर अब हम मुसीबत में हैं। मुझे तो लग रहा था कि अब मुझे चिड़ियों से दोस्ती करनी होगी। तुम लोगों को देखकर मुझे खुशी हो रही है। मेरे पास केवल एक अनार है और मेरे पास पूरे पूरे 10 है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, जरा मेरे ढेर को देखो। लेकिन मेरा अधिक स्वादिष्ट है। मिला, तुम पहले खाओ। हुरे, मुझे अनार बहुत पसंद है। जरा देखो कि इसके अंदर के बीज कितने स्वादिष्ट लगते हैं। हालांकि वे खाने के लिए बहुत सुविधाजनक नहीं है, लेकिन इस तरह के छोटे ट्रीट्स के लिए मेरे पास हमेशा फ्रीजर होते हैं। ये स्वादिष्ट और सुविधाजनक है और अपने हाथों को गंदा करने की जरूरत नहीं होगा। बेहतर होगा कि मैं बीज को एक प्लेट में रख दूं और फिर सब कुछ एक ही बार में खा लूं। हाँ, इस तरह से ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ठीक 100 बीज, ये बहुत अच्छा है। तो यह मेरे लिए पहले की तुलना में 100 गुना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। हालांकि मेरे पास केवल एक अनार था, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है। सबसे पहले अनार को खोलना होगा। यह आसान होना चाहिए। इसे तोड़ता हूँ। कितना भयानक। एलेक्स, अब तुम कितने खूंखार दिख रहे हो। खूंखार दिखना अच्छा नहीं है, लेकिन अब यह अनार तो बस कमाल का है। बहुत स्वादिष्ट। एलेक्स पागल हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक स्वादिष्ट अनार खा रहा हूँ बस। बेटा, अब तुम समय बर्बाद मत करो और अपना अनार खाओ। बिल्कुल, अब ये मेरे ढेर सारे अनार खाने का समय आ गया है। मिला, मुझे चाकू चाहिए। हाँ, ये लो। सिर्फ अनार खाना बोरिंग है, लेकिन उनमें से स्वादिष्ट जूस बनाना मजेदार से भी ज्यादा है।
देखो मेरे पास कैसा जूसर है। वाह, इतनी बड़ी मशीन, एक बड़ा जूसर और ढेर सारे अनार से हम बहुत सारा जूस बना सकते हैं। बस उसे देखो, वो मुझे इसे जल्द से जल्द पीने के लिए कह रहा है। क्या ये स्वादिष्ट है? बहुत। अब तुम्हारे चेहरे पर भी पूरा जूस लग गया है बेटा। ये कोई समस्या नहीं है, हम इसे आसानी से और आराम से छुटकारा पा सकते हैं। अफसोस, मेरे पास कोला का केवल एक ही कैन है और मेरे पास ये बहुत सारे हैं। देखो मीला को कितने सारे मिले हैं। हाँ देखो, मेरे पास कोला के कैन का एक पूरा टावर है। लेकिन फिर भी मैं पहले पीऊंगी, कम से कम मैं किसी चीज में तो भाग्यशाली हूँ। कोला हमेशा स्वादिष्ट होता है। और इसके बाद पेट हमेशा बातें करता है। मुझे एक अच्छा आइडिया आया है कि कोला के अपने सभी डब्बे एक बार में कैसे पिया जाए। इसे खोलने की जरूरत है और उसके बाद मुझे एक विशेष स्ट्रॉ की आवश्यकता होगी, जिसे मैंने हाल ही में बनाया है। वाह, यह अच्छा आइडिया है। आखिरकार कोला बहुत स्वादिष्ट होता है। ओ, लगता है कुछ बाहर आना चाह रहा है। यह डकार बहुत पावरफुल थी। तुम्हें क्या लगा, मैं भी कोई हस्ती रखता हूँ। और मुझे पेप्सी ज्यादा पसंद है और मुझे एक जार मिला भी है, कितना अच्छा। क्यों, अब सब कुछ गिर जाएगा। तो क्या, इसे गिरने दो, कम से कम अब मुझे ऊपर के लाइन तक नहीं जाना होगा। शर्त लगा लो कि मैं कोक के सारे डब्बे एक ही बार में पी जाऊंगी। हम तुम पर विश्वास करते हैं। बस हम पर कचरा मत फेंको। बिल्कुल, ये कैंस है और ये चेहरे पर पड़ने पर दर्द होता है। मुझे माफ करो, मैं बस रुक नहीं सकती। मेला, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने अपना पेट देखा है? हाँ, ये सब गैस है। अपने आप को बचाओ, अगर बचा सकते हो तो, ये एक इमरजेंसी है। मेला ने डकार मारी। ओ मिला, कोई और कोक नहीं। मुझे और नहीं चाहिए, यह मुझ में फिट नहीं होगा।